हे गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये हमारे रेडमी के फ़ोन में ये वाला ऑप्शन आप कैसे खोल सकते हो। ठीक है, ये वाली जो सेटिंग ऑप्शन जो भी बोल दो आप, ये वाला शॉर्टकट आप कैसे मतलब अपने रेडमी के फ़ोन में खोल सकते हो। ठीक है, और तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, इसके फ़ायदे वगैरह, और आप इसे कैसे अपने रेडमी के फ़ोन में इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। पहले नंबर पर आपको मिल जाता है गूगल, तो मैं इस पर टैप किया, यहाँ से आप डायरेक्ट कुछ कर सकते हो, मतलब सर्च वगैरह। तो मैं यहाँ पर सर्च किया बटन, तो मेरे सामने इसका जो भी है रिजल्ट वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये वाला ऑप्शन समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लीनर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपना जो फ़ोन का जंक वगैरह वो क्लियर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है क्लीनर सिक्योरिटी का। तीसरा मिल जाता है एमआई ड्रॉप, मतलब यहाँ से आप कुछ भी चीज़ सेंड कर सकते हो। चौथा मिल जाता है कैलेंडर का, यहाँ पर जो भी कैलेंडर की इवेंट है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है आपको पेटीएम अगर नॉट इंस्टॉलेड, यहाँ ऑप्शन है ये नॉट इंस्टॉलेड है। यहाँ पर मिल जाता है क्यूआर कोड, यहाँ पर मिल जाता है आधार का कोई, आप आधार भी ऐप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है ए ड्राइव नोट, यहाँ से आप जो भी नोट लिखना चाहो वो यहाँ पर शो होगा जो आपने लिखा है। यहाँ पर मिल जाता है कॉल ए कैब, ठीक है, यहाँ पर करंट लोकेशन मिल जाती है, यहाँ पर एंटर एड्रेस आप कर दो तो ये करंट लोकेशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है ऐड होम एंड वर्क, यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर दिखाता है आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी पिक्चर्स और न्यूज, यहाँ पर दिखाता है आपको कैलेंडर इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑल इवेंट भी आप देख सकते हो। यहाँ पर दिखाता है जो ऐप है वो करेंगे आपको रिकमेंड, यहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, फिर आपके क्लीनर्स हैं, और यहाँ पर अनटाइटल्स, ठीक है, जी ओवर मूवीज़ वगैरह यहाँ पर ऐप है। यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के शेयर हैं उसके भी आप यहाँ से जो चल रहा है करंट प्राइस वो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर कस्टमाइज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप आसानी से कर। आप दोस्तों बात आइए इसे हम लगाए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो फ़ोन की सेटिंग है वहाँ पर चले जाना है। मेरे पर भी रेडमी नोट 4 है, आप पर जो भी फ़ोन हो उसकी मतलब एमआई के फ़ोन हो वहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, होम स्क्रीन है रीसेंट। ठीक है, ये आपको कर देना है क्लिक इस पर, और आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ऊपर ही आपको मिल जाएगा ऐप बोल्ट। ठीक है, ये वाला आपको अगर मैं इसे करूँगा मतलब बंद करूँगा डिसेबल तो मेरे बंद हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं आ रहा है मेरा। अगर मैं इसे कर दूँगा इनेबल तो ये मेरा आने लग गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसे कस्टमाइज करके अपने फ़ोन में लगा सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना और होम स्क्रीन या रीसेंट वाली सेटिंग में ऐप बोल्ट पर कर देना है आप इनेबल। ठीक है, इनेबल कर देना है तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।